हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 34 प्रकार के अलग अलग पदों पर वैकेंसीज निकली है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2021 का ये नोटिफिकेशन है और लास्ट डेट है 19 अक्टूबर 2021 शाम के पांच बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है कौन से लिंक पर आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखना तो पहली वैकेंसी है सिक्योरिटी ऑफिसर की ग्रुप बी की यह वैकेंसी है लेवल सेवन का जो पे स्केल है वो आपका रहेगा तो काफी अच्छा पे स्केल है और एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है चाहे किसी भी राज्य से हो और क्वालिफिकेशन क्या मांगी है बैचलर डिग्री मांगी है पांच साल का अनुभव मांगा है एस सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर पोजीशन में इन सिक्योरिटी इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए सरकारी के अलावा अगर आपके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा अगर ये सब नहीं है तो पर्सन हु हैव सर्व इन द आर्मी और सच यूनिफॉर्म सर्विस एट जेसीवल और इक्विलेंट और अब एटलीस्ट क्लास टेंथ स्टैंड आर्मी क्लास वन एग्जामिनेशन और अगर ये भी है तो वो भी अप्लाई कर पाएगा और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जीप या मोटरसाइकिल चलाने के लिए डिजायरेबल क्या है कंपल्सरी नहीं है कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स इन फायर फाइटिंग और अन आर्मड कॉम्बैट कोर्स इन आर्मी ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज अगर आपके पास ये वाला कोर्स किया हुआ है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी और आपको इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए बोलने में और 35 वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की लेवल सेवन और ग्रुप बी की ये वैकेंसी है एक ही वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी की है बैचलर डिग्री मांगी गई है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रोमर रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और साथ साथ तीन साल का अनुभव मांगा गया है एटलीस्ट टू ईयर्स एक्सपीरियंस एज जूनियर इंजीनियर और उसमें से दो साल का आपका जूनियर इंजीनियर होना चाहिए डिजायरेबल क्या है कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए पैंतीस वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है नेक्स्ट पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की यह भी ग्रुप बी की वैकेंसी है दो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की बैचलर डिग्री मांगी गई है दो साल का अनुभव होना चाहिए या फिर दो साल का मांगा गया है पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अगर यह नहीं है तो पांच साल का अनुभव होना चाहिए स्टेनो के पद पर इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड्स पर मिनट अगर इंग्लिश में है अगर हिंदी में तो सौ और इसी प्रकार टाइपिंग टाइप राइटिंग स्पीड चालीस वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और पैंतीस वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर पर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए पैंतीस वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है उसके बाद है हिंदी ट्रांसलेटर लेवल सिक्स की वैकेंसी है ग्रुप बी में ही ही आती है 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 एक वैकेंसी मास्टर डिग्री मांगी गई है, या फिर uh, मास्टर डिग्री मांगी है इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव ऐसे ही आप आगे देख लीजिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए स्किल टेस्ट भी होगा कैसे होगा हिंदी टाइपिंग थर्टी वर्ड्स पर मिनट टाइम अलाउड होगा टेन मिनट्स थर्टी वर्ड्स पर मिनट कोर्स टू नाइन थाउजेंड की डिप्रेशन पर आर ऑन एन एवरेज ऑफ फाइव की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ये आपको पता बताइए ऐसे ही होता है डिजायरेबल है स्टडीड वन ऑफ द लैंग्वेज अदर देन हिंदी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और पैंतीस वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की एक ही वैकेंसी है ऐसी कैटेगरी के लिए है बैचलर डिग्री मांगी गई है दो साल का अनुभव मांगा गया है एस या फिर इक्वलेंट पोस्ट के लिए यूडीसी यानी अपर डिविजनल क्लर्क स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर वही इंग्लिश टाइपिंग में पैंतीस और हिंदी में आपका तीस वर्ड्स पर मिनट रहेगा पैंतीस वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है पर्सनल असिस्टेंट की नेक्स्ट पोस्ट है लेवल सिक्स और ग्रुप बी में आती है दो वैकेंसी है जनरल की एक है ओबीसी की बैचलर डिग्री मांगी गई है स्टेनो में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वही टाइपिंग जो स्पीड होती है 100 वर्ड्स पर मिनट की और उसके बाद है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दो साल का अनुभव किसमें जूनियर स्टेनो या फिर स्टेनो इन सेंट्रल और डिजायरेबल क्या है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए स्किल टेस्ट होगा जो ऊपर बताया है इन्होंने 35 वर्ष की आपकी अधिकतम आयु हो सकती है नेक्स्ट पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट की एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में के लिए रिजर्व है मास्टर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में दो साल का अनुभव या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी और साथ साथ तीन साल का अनुभव इन रेलिवेंट फील्ड और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए पीजी डिप्लोमा है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी पैंतीस वर्ष का अधिकतम आपकी आयु हो सकती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियर में ग्रुप बी की है एक ही वैकेंसी है एमई ई एम मांगा गया है पचपन मार्क्स के साथ अगर ये नहीं है तो बीई बी डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट पचपन मार्क्स के साथ और एज लिमिट पैंतीस वर्ष उसके बाद है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रुप बी की वैकेंसी है लेवल सिक्स का आपका पे स्केल रहेगा और एक ही एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की क्वालिफिकेशन सेम है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी उसके बाद है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन सेम है और लेवल सिक्स ग्रुप बी की यह वैकेंसी है एक ही जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है उसके बाद है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी और एक ही वैकेंसी है पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व है क्वालिफिकेशन सेम है स्टेटिकल असिस्टेंट लेवल फाइव पे आ जाते हैं यानी कि अब ग्रुप सी की वैकेंसी शुरू हो चुकी है एक है जनरल कैटेगरी की कोई भी अप्लाई कर सकता है मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या फिर बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं और लिखा है इनमें से कोई भी चलेगा बत्तीस वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है उसके बाद है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ग्रुप सी की वैकेंसी है एक ही वैकेंसी है बैचलर डिग्री मांगी गई है तीन साल का अनुभव मांगा गया है अगर ये नहीं है तो पर्सन विद है हु हैव सर्व फॉर फिफ्टीन ईयर्स इन आर्मी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए लाइट या फिर मोटर व्हीकल का उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर फॉर बी एड एंड एम एड प्रोग्राम्स ग्रुप सी की वैकेंसी है एक ही पोस्ट है बी बी टेक मांगा गया है पचपन परसेंट मार्क्स के साथ या फिर बी एस सी विंप्यूटर साइंस पचपन परसेंट मार्क्स के साथ उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में और एक ही वैकेंसी है बैचलर बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बी टेक डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट पचपन परसेंट मार्क्स के साथ बत्तीस वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में वही क्वालिफिकेशन सेम एक ही वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन सेम है एक ही वैकेंसी है उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी में क्वालिफिकेशन सेम है एक ही वैकेंसी है ग्रुप सी की वैकेंसी है एज लिमिट मैक्सिमम थर्टी टू ईयर्स उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए लेवल फोर का आपका पे स्केल रहेगा एक ही वैकेंसी है बैचलर डिग्री मांगी गई है पचपन मार्क्स के साथ उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी कि लैब असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में एक ही वैकेंसी है क्वालिफिकेशन सेम बीई बीटेक e. टेक मांगा गया है पचपन परसेंट मार्क्स के साथ या फिर ये नहीं है तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा भी चलेगा बत्तीस वर्ष अधिकतम आयु लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एक ही वैकेंसी है क्वालिफिकेशन सेम है उसके बाद है लैब असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक ही वैकेंसी क्वालिफिकेशन फिर से सेम रखी गई है उसके बाद लैब असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी में एक ही वैकेंसी है क्वालिफिकेशन सेम है आप देख लेना कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके बाद लैब असिस्टेंट फिजिकल साइंस ग्रुप ग्रुप सी और लेवल फोर बी नॉन मेडिकल या फिर बी पास कोर्स विद फिजिक्स एज अ कोर पेपर हैविंग एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स बत्तीस वर्ष की आयु लैब असिस्टेंट केमिकल साइंस वही क्वालिफिकेशन सेम जो मैंने आपको ऊपर बताई है नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस में दो वैकेंसी है बैचलर डिग्री मांगी गई है बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायो में पचपन मार्क्स के साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट दो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की है बैचलर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में कंप्यूटर का ज्ञान और टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है उसके बाद है एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क लेवल टू का आपका पे स्केल रहेगा ग्रुप सी की वैकेंसी है एक वैकेंसी है ई की एक है ओबीसी की और एक है एस की यानी कि जनरल की नहीं है अगर आप ई के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास ई का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए मेरे चैनल पर एक वीडियो है ई सर्टिफिकेट के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ईडब्ल्यूएस के नाम से हरियाणा ईडब्ल्यूएस वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं उसे देखकर आप अप्लाई कर पाएंगे कि कैसे आपको बनवाना है और क्वालिफिकेशन टेन प्लस टू मांगी गई है स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग स्पीड आप देख लीजिए उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट एक वैकेंसी है पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व है क्वालिफिकेशन सेम है बारहवीं रहेगी ईडब्ल्यू के लिए एक है जनरल के लिए भी एक है दसवीं पास मांगा गया है आई है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट दो वैकेंसी है एक जनरल एक एस के लिए बारहवीं पास मांगा गया है उसके बाद है किचन अटेंडेंट लेवल वन ग्रुप सी की वैकेंसी है दसवीं पास मांगा गया है या फिर आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट भी चलेगा दो साल का अनुभव एज अ कुकिंग उसके बाद है लैब अटेंडेंट एक वैकेंसी है पीडब्ल्यू के लिए बारहवीं पास मांगा गया है उसके बाद है लैब अटेंडेंट इंजीनियरिंग या फिर साइंस डिसिप्लिन में एक है एक ही वैकेंसी है पीडब्ल्यू के लिए और चार है जनरल के लिए दो है ओबीसी के लिए एक है एस के लिए बारहवीं पास मांगा गया है विद साइंस और थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड सेल बी एस इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट और क्वालिफिकेशन किस दिन होनी चाहिए आपकी जो क्लोजिंग डेट मैंने आपको ऊपर बताई थी उस दिन तक आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये आप एक बार पढ़ लेना कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं एज रिलैक्सेशन आपको पता है एससी एस टी को ओबीसी को दी जाती है वो यहां पर भी दी जाएगी एक बार आप इसे पूरा पढ़ लेना कुछ इसमें ज्यादा है नहीं जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो, वो बता देता हूं लेकिन आपको अप्लाई करने से पहले भी सभी प्रकार की डिटेल्स खुद से भी पढ़नी है अब बात कर लेते हैं फीस की तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के लिए है आठ रुपए अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ग्रुप सी के लिए है 500 और उसके अलावा कोई भी कैटेगरी हो चाहे वुमेन हो एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी सभी के लिए नील रखी गई है फ्री है अप्लाई करना और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है जिन्होंने पहले अप्लाई किया था एडवर्टाइजमेंट जो 24 जून 2021 को निकली थी और वो रद्द कर दी गई थी तो उन्हें अब दोबारा से अप्लाई करना होगा आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश। इस बात का आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा साइन अप करने के बाद फिर आपको इस वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा नीचे आपको यहाँ पर नीचे लॉग इन को ऑप्शन दिया गया है यहां पर फिर, फिर आप लॉग इन कर लेना फिर आप आगे की डिटेल्स भर पाएंगे और अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो ये थी वैकेंसीज हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा तो सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करे शेयर करे कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया लेवल की सभी प्रकार की वैकेंसीज की डिटेल दी जाती है